हरे कृष्णा। तो एक और घटना सुनाता हूँ, वो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का। ये बिजनेसमैन का बहुत अहंकार था, बहुत पैसा कमाया है, तो जगन्नाथ जी के भक्त था, लेकिन भक्त भक्ति था। तो जगन्नाथ जी के पास आके पुजारी को बोला, ये लो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दूंगा, दिखाया पहले, अगर तुम इसको भगवान को एक टाइम का ये पूरा खर्च करके तुम भोग लगाओ। तो अभी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में उस समय में सारा पूरी का व्यंजन भी लगा दे तो भी माने उससे भी वो भी माने उससे भी कुछ पैसे बच जाते। बोला, अरे सोने की थाली में भी लगा दूं या कुछ भी करूं तो ये स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का जो कीमत है, क्या भोग लगाऊंगा, मैंने क्या ऐसा विशेष बनाऊंगा, हमारे यहाँ तो नित्य जो भोग लगता है वही है, उसका जितना खर्चा होता है वो है। बोले, नहीं, मैं तभी तुम्हें दान करूंगा, तुम्हें ये पूरा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्चा कर दोगे। तो पुजारी बड़ा परेशान, जगन्नाथ जी के पास गया, उनकी प्रार्थना किया, तो सपने में जगन्नाथ जी आए। बोले, ठीक है, तुम कल उसको आने के लिए बोला और बोलना कि वो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा या जो भी पैसा है उसका, मुझे एक पान चाहिए उस व्यक्ति से, उस पान में एक विशेष चीज होना चाहिए, वो है गजमुक्ता चूर्ण। गजमुक्ता क्या होता है, बहुत सारे जैसे सर, बहुत कुछ कुछ सर्पों के पास ही मनी होती है, ठीक ऐसे कुछ कुछ हाथियों के सर के अंदर एक मुक्ता होता है, एक मोती होता है, गजमुक्ता बोलते हैं, बड़ा सा हाथी के ठीक मस्तक पे होता है। मतलब उस गजमुक्ता का चूर्ण मिलाया हुआ एक पान चाहिए, बस ये मांग लो तुम। अभी वो, अच्छा ये किसी के बुद्धि में नहीं है, भगवान की बुद्धि हो सकती है, ये भगवान के अलावा ये बुद्धि किसी का नहीं हो सकता। पुजारी ने उस व्यक्ति को, बिजनेसमैन को कहा कि भगवान जगन्नाथ ने एक पान मांगा है, लेकिन देख लो तुम्हारे सारा संपत्ति 1 लाख का, तुम 1 लाख स्वर्ण मुद्रा बोलो, पता नहीं कितने लाख स्वर्ण मुद्रा चले जाए। बोले, एक पान भगवान ने मांगा है। उसको संदेह हुआ कि पूजा झूठ बोल रहा है, कुछ ये कुछ मेरे साथ बदमाशी कर रहा है। पूजा ने बोला, सुनो, पहले सुन लो वो पान कैसा होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि उस पान में गजमुक्ता का चूर्ण होना चाहिए, वहां चूना मलते हैं ना ऐसे पान में, तो चूना नहीं, भगवान के पान चूना नहीं लगता, उसमें वही मुक्ता का चूर्ण लगेगा, लेप लगेगा गजमुक्ता का। और सुन के उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक बार तो सोचा मन ही मन में, गजमुक्ता मांगा है तो शायद ट्राई करूं। तो उसके असिस्टेंट ने बोला कि पता है आपको क्या करना पड़ेगा, दुनिया में कितना हाथी है वो आपको खरीदना पड़ेगा, किस हाथी में गजमुक्ता हो आपको जानना नहीं, आपको पता नहीं है, आपको मार के पाप तो लगेगा ही, लेकिन पता नहीं आप आपके कितने संपत्ति चला जाएगा, आप भिखारी ना बन जाए वो गजमुक्ता खोजते खोजते। और पान बनना तो बहुत दूर की बात है, गजमुक्ता लेके फिर लेप लगा के पान बनना। तब उस बिजनेसमैन जो राजस्थान से आया था, उसको समझ में आया कि जगन्नाथ को खरीद, अपना वैभव दिखा के, जगन्नाथ द्वारकापति हैं और वैभव लक्ष्मी के पति हैं, उनको अपना वैभव दिखा के उनसे छल नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको समझ में आया, उनने प्रणाम किया जगन्नाथ जी को और बहुत प्रार्थना किया, क्षमा मांचना, उनसे, भगवान तुमने आज मुझे औकात याद दिला दी, ये गजमुक्ता वाले एक पान क्या आइडिया है। हाँ, भगवान ने एक पान मांगा, वो करोड़ों का पान है। तो भगवान ऐसे सेवा जो करना चाहता है, भगवान उसके लिए अलग विचार रखते हैं, और जो सेवा के नाम पे अपना आडंबर करना चाहते हैं, भगवान उसको भी सीधा करना जानते हैं। लीला से भगवान ने यही दिखाया, अहंकार, अपने कर्तापना, अपने दंभ से भगवान को तुम सेवा नहीं कर सकते, भले ही आडंबर हो सकता है,
लेकिन ऐश्वर्य शिथिल प्रेम में नहीं मोर प्रीति, ये भगवान खुद कहते हैं। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम में भगवान को प्रीति नहीं है, भगवान उतना इंटरेस्ट नहीं देते। ओके ठीक है, तुम भी तो आरंभ कर रहे कुछ मांगने के लिए, तो दे दो, चल जा भाड़ में, जाए जा ले ले। हाँ तो लेकिन जो भगवान के एकनिष्ठ अकिंचन सेवक हैं, उनका बात कुछ अलग है।